Yeah! Oh! Okay, हम आजाद हैं? छोटा, प्लान बी ट्राई करते हैं. आज हम लोग यहाँ से भाग के रहेंगे. कौन है? चुप हो जा लंबूचान, तुम सबको जगा दोगा. ये अलार्म का रिंगटोन किसने चेंज कर दिया फिर से? ये क्या? अब भी आया. क्या तुम इसे चुप करने में हमारी मदद करोगे? बड़ा एहसान होगा. हम 2 हफ्ते से सोए नहीं है. मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चों का ज्यादा आइडिया नहीं. सरदार के बच्चे. अरे हटिए सारे, हमारा बाएं हाथ का खेल है. ये बड़ा होके बहुत बड़ा बहादुर योद्धा बनेगा, लेकिन उससे पहले ये रो रो के हमें मार देगा. देख लो. मुझे जानवर पसंद नहीं है. सॉरी, बच्चे पसंद नहीं है. मुझे तो इस बच्चे को संस्कार की जरूरत है. अरे पकड़ो इसे. ये तो चमत्कार हो गया. ये तो लंबूचन के हाथ में आते ही सो गया. रख लो, हम कल आएंगे. इसका ध्यान रखना तुम. हम इस बच्चे की मदद से यहाँ से भाग जाएंगे. बच्चा होगा तो गार्ड्स गोली नहीं चलाएंगे. मिस बेटी, आप संभालिए. कैदियों को बच्चे देना रूल्स के खिलाफ है. ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार चल जाएगा. क्या कर रहे हो तुम? इस बच्चे की बाजू में तो बहुत दम है. इस वाकई में एक राजा था, एक रानी थी, करती वो मनमानी थी, मनमानी आनी. चुप हो जाओ, बाद में ये लोरी सुनाना, समझे क्या? बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है जो, लेकिन मुझे नहीं आ रहा. ठीक है, मुझे मजा आ रहा है. मजा आ गया. चलो अब निकलते हैं. सो गया क्या? उठने से पहले चलो. बच्चा वापस जा रहा है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है. हम जेल से काफी दूर है. बच्चे को यही रहने दो, किसी को नहीं पता चलेगा. लेकिन भाई, हम इसे अकेले नहीं छोड़ सकते. अगर गांव के सरदार को पता चल गया तो हमारी बहुत बुरी पिटाई होगी, समझ लेना. और सरदार को पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी. अच्छा ठीक है. दो बच्चों को गार्डन जैसी जगह पसंद होती है. ये गार्डन बिल्कुल अच्छा है. यार रख दो और चलो. मुझे लगा ये गार्डन है, लेकिन ये तो एक थीम पार्क निकला. वाह क्या बात है.
हाँ, हम आपको अकेले छोड़ देते हैं। बाय बाय। जब तक ये शांत नहीं हो जाता तुम यही रहोगे, समझे? कहीं नहीं जाओगे। I'm sorry, लेकिन हमें जरा बाहर जाना है, गांव के सरदार। फैसला हम करेंगे। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बात को याद रखना। और अगर नहीं माने तो सर मुंडवा देंगे। सब ठीक है। हमें भी पीछा करना आता है, तुम ये पीछे छोड़ गए थे। संस्कारी बच्चे ने थका दिया, लेकिन अभी शांति है। और गांव की सरदार, चिंता मत करो, गांव का सरदार बड़ा चतुर है, उसको सॉल्यूशन मिल गया है। अरे भाइयो, थोड़ा स्लो चलो ना। अरे स्लो चलने बोला तो रुकने थोड़ी, अब आगे कहाँ? राइट, लेफ्ट जाना है। सॉरी, राइट जाते हैं। अरे जैक और विलियम किधर गए? यहाँ मैंने पूछने आए हैं, चल चल। सारे गड्ढे बंद कर देते हैं और ऊपर मस्त क्रिकेट ग्राउंड बनाते हैं। तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अरे ये परफ्यूम तो मेरा फेवरेट है, अभी कैंगरूज को ढूंढ निकालता हूँ। शेरू कितना टैलेंटेड है। अरे ये कितना क्यूट बनी है। अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बनी मेरे भाई? एक काम करते हैं, चारों तरफ फैल जाओ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अरे जी लो जिंदगी। हम उनके बहुत करीब हैं। मुझको मेरे हवाले कर दो। कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमें देख ना सके। अरे क्यों, चिंता मत करो, अब हमें कोई नहीं देख पाएगा। वो देखो, वहाँ लाइट्स है। रोशनी पौधा, खाना मत, ये बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन इसमें नमक बहुत कम है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? नहीं, तुम सब ने ये पौधा खाया? नहीं। अरे तुम भी खा कर देखो, देखो तो ये खाने से शरीर में अलग सी चमक आ जाती है। वो चमक नहीं है, घन चक्रो। चलो हाथ ऊपर करने का टाइम। Oh!
तुम दोनों डाल्टन्स को लेकर नहीं आए, वापस जाओ। हाँ, पहले तुम जाओ भाई। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ। बेटा, वेरी गुड। ये क्या चालू बंद हो रहा है? मेरा पेट दुख रहा है भाई। तो किसने कहा था पौधा खाने को? हाँ, माँ ने कहा था कि हरी सब्जी खानी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमका बहुत डर लग रहा है। मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ, इसलिए डरता नहीं। एवरल लाइट, एवरल जी, सामने से आ रही है। खजाना, जितना हो सके उठा और निकलो। सुना तुमने, ये कैसी आवाज है? ये तो डाल्टन है, हमने कहा था ना। बंदी गली पकड़ा। तुमका देख के बहुत खुशी हुई भैया। मत भागो प्लीज। मैं भी आ रहा हूँ। आजादी और खजाना। आज का दिन पवित्र है। हमारा खोया हुआ खजाना वापस लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 400 साल पुराना खजाना तुम वापस ले आए। लाओ मुझे दे दो इसे। चलो अपने सेल्स में वापस डाल्टन। वैसे क्या तुम मेरे परिवार का 500 साल पुराना खोया खजाना ढूंढने में मदद करोगे? मैं ढूंढ के रहूंगा खजाना, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा खजाना हमारे हाथ से निकल गया। ये आधा आदमी आधा ट्यूबलाइट को बंद करने का स्विच का। आज का नाटक है कुदरती दवा और जेल का जीवन। अरे वाह, इस फालतू गिरी से अच्छी तो मेरी नींद है। जादूगर जोजो, तो बताइए आज आप हम सबको क्या संस्कार देंगे? दवाइयों के संकर। ये है पेट की दवा, हंसने की दवा, खुशबूदार दवा, सुलाने की दवा, और अंत में है ये। रुको रुको रुको, मतलब ये सुलाने वाली दवा जो है वो किसी भी जागते हुए को सुला सकती है? क्या सुलाने वाली दवा? अब आएगा मजा, इसमें कोई शक नहीं। दिन में 8 घंटे की नींद लेना, यही हमारे संस्कार है। एक मस्त वाला आइडिया है। अरे सुन के डिसाइड करेंगे। ये सुलाने वाली दवा की मदद से हम जेल में सभी लोगों को सुला देंगे। जब सब सो जाएंगे तब रफू चक्कर हो जाएंगे। मैं नहीं समझा। मैं भी नहीं समझा। सब सो जाएंगे तो हम भाग जाएंगे, समझे घन चक्करो। पहले हमें अपने लिए मास्क बनाना है। क्यों, ये ठीक है ना? दूसरा कलर नहीं है क्या, या फिर पैटर्न? मुझे पसंद आया, लेकिन हम लोग ये क्यों पहन रहे हैं भाई लोग? On your marks. Hey,
पता नहीं मुझे क्या हो रहा है लेकिन मेरी एनर्जी दुगनी हो गई है। ज्यादा जोर से चोट तो नहीं लगी? मैं फिर से फर्स्ट आया। रुको, मैं भी भागूंगा। तुम कितना भी भाग लो, रेस में मैं ही पहला आऊंगा। रेस तो खत्म हो गई, फिर भी क्यों भाग रहे हो तुम सब? चाबी किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास भी नहीं, पास भी नहीं। मैं फिर से फर्स्ट आ गया, फिर से फर्स्ट आ गया, फिर से फर्स्ट आ गया। शेरू को तेरे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ये शेरू, तुम जानते हो कि चाबी कौन है? तुम्हें चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट? ये समझा कि मैं खुद चॉकलेट हूँ? सब जाग जाए से पहले चाबी ढूंढो। या नहीं है, या भी नहीं है। अरे तो चाबी है कहाँ? अरे बात दिखने में स्वादिष्ट लग रहा है। यार कैसे भाग मिले? तो अब हमें इनकी तलाशी लेनी होगी। कौन लगा? मन्ने तो लागे कि इन्हें आराम करने देते और जेलर के ऑफिस में ढूंढते हैं। चाबी दो, चाबी कहाँ है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि चाबी उस फिश बोल में है। नहीं बताऊंगा। ए दोस्तों, तुम फिर से हारने आ गए? हमारे रास्ते से एंटर करो। यार, आखिर आजादी मिल गई। मेरी एनर्जी दुगनी से चौकी हो गई। कौन रेस लगाना चाहता है मेरे साथ? मैंने अभी तो तुम्हें खाना खिलाया था। मुझे लगता है कि जादूगर जोजो को जेल में जाकर ट्यूशन्स देना बंद कर देना चाहिए। अब इन चारों का क्या करें? ए दोस्तों, वापस आ जाओ, रेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। ध्यान से। चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये है तुम्हारे बाएं हाथ का खेल। ये महाशय कौन है जेलर साहब? मिस्टर सिडनी वाला भी एक बॉक्सिंग संचालक है। लाइफ में स्पोर्ट्स आ जाए तो मजा ही आ जाए। सुनो सुनो सुनो, जो भी मेरे चैंपियन को हरा के दिखाएगा उसे मेरी तरफ से मिलेंगे पूरे 100 रुपए। 100? वो तो उसे देख के ये डिसाइड करेंगे हम। और जीतने वाले की सजा 1 साल तक कम की जाएगी। जो कि नामुमकिन है क्योंकि इसे कोई नहीं हरा सकता। ये एक ऑस्ट्रेलियन कैंगरू है।
ये डॉगी मुझसे कितना बड़ा है, लगता है कोई और प्लेनेट से आया होगा। क्या बाउंस करता है, पाओ एक स्प्रिंग। हे भाइयों, एक मस्त वाला आइडिया आया है। अगर मैं इसे अपने वश में कर लेता हूँ तो मैं बाहर जाके चाबियां लेकर दरवाजा खोल सकता हूँ और फिर आजाद है। लेकिन उसे वश में करोगे कैसे? टाटा। लड़ाई करवाना ये हमारे संस्कार नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया। अगला कौन है? आराम से लड़ने कहा था, सब डर जाएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? कभी मेरी बात सुनते ही नहीं ये। मेरा दोस्त, अब मुझे यहाँ से बाहर ले चलोगे ना तो मैं तुम्हें बड़ा गाजर दूंगा, कोई शक? ये तो मान गए, चलो तो फिर चलते हैं। महिला कैंगरू को अपने बच्चे बहुत पसंद होते हैं। वो जगह तुम्हारी नहीं बल्कि उसके बच्चों की, इसलिए लात मार दी तुम्हें। अगर ऐसी बात है तो एक और मस्त वाला आइडिया आया है। ठीक है, अच्छा से प्लान सुनो। कोई भी हंसा तो इसे से मारूंगा। अब सुनो, उसे लगेगा कि मैं बेबी कैंगरू, वो मुझे गोदी में बैठा कर बाहर ले जाएगी। ये डॉगी कितना छोटा है, लगता है ये भी मेरे प्लेनेट से नहीं है। उसने अपना लिया। ये कौन है? वो तुम्हारा भाई है जो छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला भाई। यही सही मौका है। काम होने तक बेबी कैंगरू को नजदीक मत आने देना। लेकिन है कहाँ वो? लगता है बड़े डॉगी को छोटा डॉगी पसंद नहीं आया, इसलिए उसकी जमकर पिटाई कर रहा है। बढ़िया है। ये संस्कारी कौन है? कैंगरू का बच्चा? ये तुम्हें कहाँ से मिला? देखो कितना छोटा और संस्कारी है, है ना? मुझे चक्कर आ रहा है। ये देखो, स्वादिष्ट गाजर है। लेकिन मम्मी, अब वो दीवार के उस पार है। चेरू की तरह दौड़ के लकड़ी लेके आओगे? जाओ जाकर ले आओ, जाओ। चैंपियन, थोड़ी कसरत कर लो अब। ये हो नब्बा, मैं बाहर जाकर दरवाजा खोलता हूँ, तुम लोग तैयार रहना। चाबे बाय गोचु, फिर मिलेगा। मुझे जाने दो, नहीं मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी भाषा आती है। लगता है मैंने स्पेलिंग गलत बोल दिया। भाई, तुम ठीक तो हो? भाई, चाबियां मिल गई क्या? हाँ, ले ये लो। चलो अब हमें जाना होगा। काश कि ये कुछ वक्त और यहाँ रुक पाते। इसका बच्चा काफी शरारती है। छोड़,
तो तुम थे जिसने मेरी चाबियां ले ली थी। मैं सोचने लग गया कि लॉन्ड्री रूम की चाबी कौन ले गया है। मैं नहीं हूँ, तुम्हारा असली बच्चा वो अंदर है और मैंने